हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरप्रीत सिंह हैरी। और फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले जो हमारी देश में जो कंडीशंस इस टाइम चल रही हैं, टोटल लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई को ओपन होना है, लेकिन उसके भी मुझे ज़्यादा अंदेशे नहीं लग रहे हैं कि शायद 3 मई के बाद भी हम पूरी तरह से आज़ाद हो पाएँ या ना हो पाएँ। तो मैं आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें, लॉकडाउन का पालन कीजिए, हाइजीन का पालन कीजिए, प्रॉपर हाइजीन आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने रिलेटिव्स अपनी फैमिली को बचा के रखिए, क्योंकि ये वायरस मार करता है, ज़रूर करता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरा कोई व्यूअर, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई देशवासी अगर वो किसी हॉट जोन के आसपास है, जिसे हम रेड जोन या रेड स्पॉट या हॉट स्पॉट बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, कि ऐसी अगर जोन के नियर बाय आता है जहाँ पे कोरोना के बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों के मन में ऑब्वियस है कि बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे फोन्स आते हैं जगह जगह पे लैब्स में डॉक्टर्स के पास कि डॉक्टर साहब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डायरियल प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग तरह की वो प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि शायद वी आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। तो यहाँ पे अमृतसर में भी कुछ लोगों के सुसाइड के केसेस आए थे जिन्होंने इसी डर से सुसाइड किया कि शायद उनको कोरोना वायरस है। इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है आपके दिमाग में और आप खुद भी उसको करते जा रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और वो चीज़ ज़्यादा डेंजरस है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस उन लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, एडवर्स इफ़ेक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिज़ीज़ से ग्रस्त हैं, यानी कि डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं या वो रीनल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं या उनको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ये कुछ 2-3 बीमारियाँ हैं जो कि इस डिज़ीज़ के साथ, कोरोना वायरस के साथ ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हैं उसको एग्जैगरेट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि अगर इस बीमारी की डर से आपने अपने ब्रेन पे, अपने दिल पे थोड़ा सा भी बोझ ले लिया, तो ये वायरस अगेन आपकी बॉडी पे बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उस स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी और उस इम्यूनिटी डाउन की वजह से, उस मेंटल बर्डन, उस मेंटल टेंशन की वजह से किसी भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो यहाँ पे नाम दिया जाएगा कोरोना वायरस को कि आप कोरोना वायरस से या वो पेशेंट कोरोना वायरस से मरा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस और डेथ विद कोरोना वायरस, यहाँ पे बहुत डिफरेंस है दोनों बातों का। हॉटस्पॉट के लोगों के लिए ही मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, हो सकता है ये एक नॉर्मल फ्लू के सिम्टम हो, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट हुई थी, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि की एफिकेसी थी वो जस्ट 5% थी, जो कि नाम मात्र है, उसे हम 0 माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5% अगर कोई टेस्ट आपको सही निर्णय बता रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। 95% तो यार ये तो कोई भी देखे, ये तो इवन मैं भी आपको बता सकता हूँ किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर 20% तो मेरा तुक्का भी लग जाएगा कि ये पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है। तो फिर हम एक इतनी महंगी रैपिड टेस्टिंग किट यूज़ करें जो कि 5% जस्ट आपको सही रिजल्ट दे रही है। तो इस टेस्टिंग किट के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये टेस्टिंग किट्स काम कैसे करती हैं। ये किट्स जो होती हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को शो करके उस पर बैंड्स दिखाती हैं। आपने बहुत सारी किट्स ऐसी देखी होंगी, आपने टीवी में एड्स देखी होंगी, जैसे कि प्रेगनेंसी किट्स, आप बहुत सारे जो मैरिड लोग हैं उन्होंने ये किट्स को चेक किया होगा, यूज़ किया होगा। इस किट में ऐसा होता है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो वहाँ पे डबल लाइन डबल बैंड बन जाता है, कुछ ऐसा ही इन्हीं किट्स में भी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन का इजाद, उसकी इन्वेंशन एडवर्ड जेनर ने की, और उन्होंने जो फर्स्ट वैक्सीन इन्वेंट करी थी वो थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। लेकिन वहाँ जो इन्वेंशन थी वो कुछ इस तरीके से हुई कि उन्होंने ये देखा कि यार जो लोग मिल्कमैन हैं, जो दूध निकालने वाले लोग हैं, उनको ये डिजीज़ नहीं हो रही। पूरी स्टडी करने के बाद ये पता चला कि स्मॉल पॉक्स जो कि बहुत डेडली डिजीज़ थी उस टाइम पे,
ये रिजल्ट चला पता उस स्टडी के बाद कि उन जो मिल्कमैन है, दूध निकालने वाले लोग हैं, उनको एक और वायरस ने इन्फेक्ट किया था जो कि काउपॉक्स था, जो कि काउज में, कैटल्स में वो बीमारी होती थी। वो वायरस जब बॉडी को उनकी इन्फेक्ट करता था तो वो एक काफ़ी माइल्ड डिजीज़ होने की वजह से, लेकिन होता क्या था कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ उस मिल्कमैन के बॉडी में अंदर बन जाती थी। लेकिन जब एक्चुअल में एक वायरस स्मॉल पॉक्स का उस मिल्कमैन की बॉडी में जाता था तो बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज उसको काउपॉक्स का वायरस समझ के ही मार डालती थी, ख़त्म कर देती थी। इस वजह से उन लोगों को यह डिज़ीज़ नहीं होती थी। इसी मेन पॉइंट को उन्होंने काफ़ी गहराई से स्टडी किया और वर्ल्ड को पहली वैक्सीन दिलाई, जो कि मेरा मानना है कि एक बहुत ही कामयाब स्टेप था। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं कुछ इसी तरीके से काम करेंगी। आप मान लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है, फॉर एग्जांपल कि आप एक पेशेंट को ले आइए जिसको आपने ये चेक करना है कि इसको स्मॉल पॉक्स है या नहीं है, उसकी बॉडी पे कुछ ब्लेमिशेस हो रहे हैं। अब उसको ऐसी रैपिड टेस्टिंग किट दे दीजिए जहाँ पे वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बताएगा और उस स्मॉल पॉक्स को डिटेक्ट करके एक बैंड बनाएगा। मान लीजिए उसकी बॉडी में फ़िलहाल स्मॉल पॉक्स नहीं है, लेकिन काउ पॉक्स से वो कुछ दिन पहले इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बने होंगे इस टाइम काउ पॉक्स के, तो ये रैपिड टेस्टिंग किट क्या करेगी कि उन्हीं एंटीजन और उन्हीं एंटीबॉडीज़ का एक कॉम्प्लेक्स बना देगी और उस टेस्ट को पॉजिटिव शो कर देगी, जिसका मतलब ये होगा कि इस पेशेंट में इस टाइम स्मॉल पॉक्स का वायरस है, लेकिन हमको पता है कि उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं है। ऐसा ही रिजल्ट ये भी किट्स दे रही हैं। कोरोना वायरस फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। मान लीजिए पिछले हफ्ते, पिछले महीने आपको किसी कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस, मैं COVID-19 डिजीज़ वाले की बात नहीं कोरोना कर रहा हूँ, मैं किसी और फैमिली मेंबर कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस ऐसे वायरसेस हैं जो कि आपको कॉमन कोल्ड, राइनो वायरसेस के साथ मिलके बहुत सारे कॉमन कोल्ड, फ्लू कॉज करते हैं। मान लीजिए पिछले महीने आपको कोरोना वायरस आपकी बॉडी में गया था कोई पुरानी फैमिली का, जिसकी वजह से आपको कोल्ड हुआ। आप अगर इस टाइम COVID-19 के लिए टेस्ट करेंगे तो 99% श्योर है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रैपिड टेस्टिंग किट के थ्रू आप किसी पेशेंट का टेस्ट करवाते हो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी श्योर नहीं हुआ कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव यानी कि COVID-19 डिजीज़ से ग्रस्त हो। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि अपने दिमाग पे ज़रा सा भी बोझ नहीं लेना, क्योंकि उससे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाले हैं अपनी आपकी बॉडी पे, जिसकी वजह से मैं बोलना नहीं चाहता, डेथ के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस मेरे शॉर्ट से वीडियो, इस छोटे से प्रयास से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो एक सही तरीका नहीं है इस डिज़ीज़ को चेक करने का। हाँ, कुछ परसेंटेज तक आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टेस्टिंग किट से आपका अगर कोई पॉजिटिव आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट के किट्स में टेस्ट करते हैं उसमें भी फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव बहुत सारे आते हैं। तो वो तो एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन ये एक इतना कॉम्प्लेक्स टेस्ट है जहाँ पे फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक दूसरा टेस्ट भी है जो कि RT-PCR है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस टेस्ट को अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपके लिए देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस टेस्ट की पोल भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में खोलने वाला हूं, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से बिलोंग कहीं ना कहीं करता हूं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि ये टेस्ट पूरी तरह से गलत है, लेकिन इन टेस्ट के जो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव के दुष्प्रभाव हैं, जो आने वाले जो इसके बैड इम्पैक्ट्स हैं, वो बहुत सारी पॉपुलेशन को, बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो मेरे आने वाले वीडियो का कीजिए इंतज़ार, चैनल को करके रखिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।